राशन न मिलने से ग्रामीण परेशान। पिछले कई महीनों से नहीं मिल रहा राशन, फरवरी से विक्रेता में हो गया बदलाव। जहां पूरे देश में गरीब परिवारों को फ्री में राशन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन निवाड़ी में राशन घोटाला कोई नई बात नहीं है। यहां लगातार गरीबों का निवाला छीना जाता है। ताजा मामला निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत सिंदूर सागर से सामने आया है, जहां पिछले कई माह से लोग राशन के लिए परेशान हैं। निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत सिंदूर सागर में लगातार कई महीनों से राशन वितरण न होने पर गरीबों के चेहरे पर उदासी देखी जा रही है। भले ही सरकार गरीबों के लिए राशन भेज रही हो, लेकिन यहां गरीबों के मुंह का निवाला छीना जा रहा है। वहीं मीडिया से अपनी समस्या सुनाते हुए सिंधु सागर के ग्रामीणों ने बताया कि कई माह से राशन में लगातार घोटाला। इसके बाद जब विक्रेता बदला तो नए विक्रेता ने भी धीरे धीरे घोटाला शुरू कर दिया, जहां 450 हितग्राहियों में से केवल करीब 350 हितग्राहियों को राशन दिया जाता है, जबकि माह में केवल एक या दो दिन दुकान खोली जाती है, जिससे अगर कोई व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं है तो वह राशन लेने से वंचित रह जाता है। यही नहीं, जब हमारी टीम वहां पहुंची तो देखा कि एक प्राइवेट मकान से राशन वितरण किया जा रहा है, जबकि विक्रेता दुकान होने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन वहां ना तो कोई बोर्ड लगा है और ना ही किसी प्रकार का कोई राशन दुकान का नाम अंकित है, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइवेट मकान से क्या कुछ नहीं हो सकता है। वहीं सिंधु सागर ग्राम सरपंच प्रतिनिधि शिव शंकर तिवारी लोकेश ने भी विक्रेता पर आरोप लगाए हैं और कहा कि जब इसकी शिकायत जिले की खाद्य विभाग अधिकारी से की तो उन्होंने रिकवरी निकालने का हवाला दिया, लेकिन रिकवरी निकाली या नहीं है तो जांच का विषय है। अगर गरीब लोगों का कई माह का राशन नहीं मिला तो वह राशन कौन देगा, यह तो बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं आरोप लगाते हुए बताया कि सिंधु सागर की दुकान दूसरे गांव में 3 किलोमीटर दूर संचालित की जाती है, जबकि विक्रेता के खुद के मकान में दुकान संचालित की जा रही है, जिससे यहां अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर में दुकान होने से कई लोग राशन सामग्री बेचने का भी आरोप लगाते होंगे। वहीं जब हमारी टीम द्वारा विक्रेता से बात की गई तो उन्होंने बोर्ड फट जाने का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया। वहीं शक्कर वितरण न होने पर उन्होंने शक्कर न आने का हवाला दे दिया। आखिर इतना भ्रष्टाचार किसके सह पर हो रहा है तो जाँच का विषय है। अगर भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है तो जिला प्रशासन को ऐसे विक्रेताओं के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब इस संबंध में जिले के खाद्य अधिकारी सरिता अग्रवाल से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने TL बैठक में होने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ दिया। निवाड़ी से देवेश गुप्ता के साथ आशीष प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? नाज नहीं मिलो एक महीना करने अब गई का हमने कहा नहीं दाओ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नहीं बस्ती से आए। कितने दूध नाज लेने? रोतिया ने आ रही 3 किलोमीटर। क्या आपको अनाज नहीं मिला? जो आपका अनाज होता है आपकी पैची निकलती है और ना अनाज नहीं मिला? पैची निकली ना, 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 ना। क्या कह रहे हैं? जाके आके कड़ गई। कहाँ से कड़ गई? कल गई थी सुबह ही नकाई परसों में हरवार। परसों जी क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, सितंबर से तो अनाज नहीं मिला है। 181 पर कई बार शिकायत पड़ी हमारी, वो तो आपको शिकायत हमारी भी बताएं, हमको कहते सुबह हो जाएगी। नवाड़ी से कई बार धमकी आती है फोन पर, आपको अनाज लेकर नहीं लेना है तो जाओ तुम जो दिखा सुन। कई बार मांगा लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं। अब क्या कहें इसके लिए? अभी आपको राशन मिला है? नहीं मिला है। क्या कह रहे हैं सितंबर माह से नहीं मिला है? विक्रेता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ले जाओ, हमारा जो पिछला है वो कहाँ चला जाएगा, वो कौन देगा? तो आप क्या मांग रखना चाहते हैं? चाहते कि हमारा जहाँ से पड़ा है ना अनाज वो मिलना चाहिए हमको। तो मैं ग्राम पंचायत सिंधु सागर का निवासी हूँ। मेरे भाई बड़े भाई सरपंच हैं शिवराम तिवारी साहब। श्रीमान जी, मेरा निवेदन ये है कि मेरे ग्राम पंचायत सिंधु सागर में जो राशन वितरण होता है वो उस जगह पर ना करके यहाँ से लगभग तीन किलोमीटर दूर से राशन वितरण किया जाए। इतनी धूप में बुजुर्ग हैं, माता महिलाएँ हैं, ये लोग कैसे आ सकती हैं? और यहाँ जहाँ ये सिंधु सागर का वितरण हो रहा है ये पर्सनली किसी व्यक्ति के घर से हो रहा है। यहाँ आप सामने देखिए ना, तो कहीं लिखा हुआ है कि और कई महीनों से राशन वितरण नहीं हुआ है। मेरी पंचायत में लगभग 450 कूपन है, जिसमें एवरेज आप फरवरी से लगाइए करीब 350 के आसपास ही कूपन काटे जा रहे हैं। कई लोगों को 6-6 महीने से राशन वितरण नहीं हुआ है। सितम्बर माह 2023 से राशन वितरण नहीं हुआ है किसी को। लोग पर्ची लिए हैं लेकिन राशन नहीं मिला है। इसकी शिकायत की है किसी? हाँ, मैंने शिकायत की है सरिता अग्रवाल जो यहाँ के DSO उनको भी बोला है, सबको मैंने
जान तो क्या संज्ञान में क्या आपको आश्वासन मिला? आश्वासन ये है कि मैंने सितंबर से लेके फरवरी के मतलब फरवरी तक मैंने रिकवरी कर दी है। अब सब ये बताइए कि रिकवरी है, किसी को पता नहीं है कि है कि नहीं है। अगर रिकवरी हुई है तो बेचारे ये गरीब आदमियों को राशन नहीं मिला है, प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलता है, वो क्या रिकवरी खा ले क्या? किसके यहाँ जाए वो? तो श्रीमान जी बेचारे जिनके पास कूपन की पर्ची है उनका राशन वितरण करिए और सिंधु सागर पंचायत में ही राशन वितरण होगा, ये मेरा निवेदन है। क्या नाम है आपका? अमन वर्मा। अमन जी आप किस पद पर हैं? अभी लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि कई महीनों से राशन नहीं मिला, कई लोग बता रहे हैं कि सितंबर माह से राशन नहीं मिला, कई लोग बता रहे हैं शक्कर नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे पास फरवरी से राशन आया है, फरवरी से कंटिन्यू बांट रहे हैं। अगर कोई आदमी बाहर चला जाता है, एक दो आदमी छूट जाते तो उसके पीछे हम लेके नहीं मिलेंगे सर आपको, यहाँ तक कि हम फोन लगाने पर भी हम आते हैं। दूसरी बात गई यहाँ की बांटने की, तो हमें लगते मिल जाए तो वहाँ पर इनकम होता है, 2 महीने 2 जगह का राशन वहाँ पर बढ़ रहा है, तो एक सोसाइटी में 2 जगह का राशन नहीं बढ़ सकता, इस वजह से हम यहाँ बांट रहे हो। हमारे पास आपके यहाँ जहाँ आप राशन बांट रहे हैं वहाँ कोई ना तो बोर्ड लगा है ना कुछ लिखा है, आखिर प्राइवेट होम में आप बांटने का अधिकार है? नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं ना प्राइवेट नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, हमने बोर्ड लगाया था वो वाला बोर्ड फट गया है, इस वजह से हम दूसरा बोर्ड बनवा रहे हैं। हर जगह हमने देखा है कि दुकानों पर प्रिंट से लिखा जाता है, प्रिंटर लिखते हैं, आपके यहाँ बोर्ड लगा था बोर्ड फट गया है, आखिर लोगों को कैसे पता चलेगा ये राशन की दुकान है? हमने प्रिंटर को भी फोन लगा रहे हैं, लोगों को इस वजह से पता चलता है कि हम गांव में जाके बता के आते हैं, सिंधु सागर की दुकान सिंधु सागर में कहीं बहुत अच्छा का नहीं करती, बोल के आते हैं कि भैया मैं ही राशन बढ़ गया यहाँ बढ़ता है। शक्कर का लोग आरोप लगा रहे हैं, शक्कर सबको दी है, ऐसा किसी को नहीं है जिसको शक्कर नहीं दी। हाँ, वहाँ से शक्कर 1 महीने की ड्यू हुई थी, लेट हुई थी, इस वजह से हमने शक्कर नहीं दे पाई थी, फिर उसके बाद हमने शक्कर दे दी क्योंकि हमारी ड्यू चल रही थी। अभी आपने पूरे लोगों को शक्कर दे दी? हाँ, सबको शक्कर दे रहे हैं, अभी भी लोग आरोप लगा रहे हैं, लोगों का तो काम ही रहता है यार, वो लोग सही नहीं बोल रहे हैं, वो तो बोल ही नहीं रहे क्योंकि वहाँ उन्हें पता है कि जो हमें आरोप लगाना है और वहाँ से तू चलेगी सफेद को, सफेद को जानते हो, सफेद से पूछ सकते हो, उनने लेट मैं किसी को नहीं जानता, उनने शक्कर लेट दे दी थी, इस वजह से हम लेट हो गए थे बाद में, तो हमने उसको पर्ची बना दी थी, हमें ठीक है दे देंगे, उसके बाद दे दी थी, फिर भी पर्ची को।